गोमाता कैसी हो तुम? और इसका नाम आपको पता है? इस बार हम पहली बार अपने गांव की आलू की तिजोरी बनाए। बधाई हो आपको। ये बूंगा गांव के आलू। अरे वाह दोस्तों, इनका तो स्वाद ही अलग आएगा। दोस्तों खाना भी बना लिया है, इनको बिस्तर में बैठा बैठा के चाय भी पिला दी है। इतना आज्ञाकारी पति आजकल कहाँ मिलता है, तो आए आप भी लाभ उठाए। बड़ी राधा मैं उसका रब जा रहा हूँ मैं नहाने। फिर से बोलो चाय भी तुमको मैंने पिला दी। सुनो मैंने दाल भी चढ़ा दी, चावल बना दिए, अब तो उठ जाओ। पाँव दबाऊं क्या? दोनों देखते मम्मी नहीं उठ रही है, उठा जल्दी। सुनो बच्चों ने कपड़े भी प्रेस कर दिए मैंने, अब तो उठ जाओ। दोपहर की भी तैयारी कर दी है, चलो उठो देर ना करो, आज पूरा दिन। तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एक जोश भरे दिन में आपका भी स्वागत है। दोस्तों खाना भी बना लिया है, इनको बिस्तर में बैठा बैठा के चाय भी पिला दी है। इतना आज्ञाकारी पति आजकल कहाँ मिलता है, तो आए आप भी लाभ उठाएं। एक आज्ञाकारी पति की अगर आपको भी आवश्यकता है तो संपर्क करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त ब्रेव पहाड़ नीरज। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ये मेरी जिंदगी पर। आओ देवी अब तो उठो। रुद्रा, ओ रुद्रा बेटा क्या कर रहे हो, कितने देर लगाओगे? एक घंटा हो गया आपको। बोर्ड से तैयार, बोर्ड पड़ी राधा मैं उसका रब जा रहा हूँ मैं नहाने। जल्दी कर लो बहुत टाइम हो गया। सुपर अरब कितना सो गए भाई? तो आज रुद्र का एग्जाम है, अभी उसे छोड़ने भी जाना है शायद आज। हाँ शायद नहीं, उसका है SST का। और अब चलते हैं हम लोग नीचे। अरु भाई की आज छुट्टी है, प्रिपरेशन लीव, तो आप देख ही सकते हो प्रिपरेशन किस तरह से हो रही थी। अन्नपूर्णा जी को थोड़ा छेड़ लिया है, उनके सर में दर्द था तो वो अब लेट गई हैं। पुत्तू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये देखा मेरा पुत्तू डांस कर रहा है। बहुत ही प्यारी सुबह दोस्तों, बहुत अच्छी सी धूप आई हुई है और दो तीन दिन लगातार जो बारिश हुई थी अभी पीछे, उसकी वजह से प्लांट्स एकदम ग्रीन और मस्त हो गए। तो बोगनवेलिया बहुत जल्दी फिर से भर जाएगा। इस वाले पे तो बहुत सारे फ्लावर आ भी गए हैं। और इसका नाम आपको पता है? यह है पोनी टेल पाम, चाइनीज़ पाम भी कहते हैं इसको। और इसकी आप पोनी बांध सकते हो, इसलिए इसका नाम पोनी टेल पाम है। अब ज़बरदस्त महत्वपूर्ण बात आज की, आज का ज्ञान ले लीजिए दोस्तों। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि डोरमेंसी में चले गए हैं प्लांट्स दिसंबर के टाइम पे, जनवरी के टाइम पे। अब वो सब लौट के आ चुके हैं, अब वो जागृत हो गए हैं, नई पत्तियाँ दोबारा से आने लगी हैं। ये देखिए इस पर भी नई पत्तियाँ, नई कोपले निकल रही हैं, ये देखिए सारे प्लांट्स पे। तो अब ये टाइम है कि इनको हम खाद दें। तो इनको खाद देने का बिल्कुल सही समय है, मार्च में आप इन्हें खाद दे सकते हैं। और इनकी जो कटिंग लगभग जो करनी थी वो हम लोग कर चुके हैं, अब नई पत्तियां निकलने का टाइम आ गया है। ये चेरी पे देखिए कितनी सारी पत्तियां आई हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको अपना आड़ू का पेड़ दिखाया था, तो आड़ू के पेड़ के साथ बड़ा बुरा हो गया दोस्तों। इसके ऊपर वो पत्ते मुड़ने वाला रोग लग गया था, मैंने हालाँकि दवाई भी छिड़की पर वो उसके बाद वो ठीक हुआ नहीं है। तो जितने इस पर फ्लावर थे वो सब मुरझा से गए हैं, हालांकि कुछ आड़ू तो ज़रूर बनेंगे लेकिन ज़्यादातर बेकार हो गए। और ये मेरा लास्ट ईयर वाला पिटूनिया है, इसने फिर से देखिए फ्लारिंग करी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उधर नाशपति का पेड़ है, उस पर भी बहुत सारे फ्लार आए हुए हैं। गौमाता कैसी हो तुम? तो गौमाता से भी मिल लेते हैं अपनी नंदिनी से। हाँ और वो रहा हमारा भोलू सिंह। बोले तो जो ये डबल शेड वाले होते हैं ना दोस्तों, इन्हें कहते हैं वेरीगेटेड वैरायटी। इसके पत्तों पे आप देख सकते हो दो तरह के कलर हैं। तो कुछ इस तरह की है सुबह बेर के, अब सारे बेर ख़त्म हो चुके हैं तो बस इसका टाइम निकल गया। और अब टाइम है दोस्तों आम का, तो भर के इस पर, अरे इस पर बौर तो बहुत आई है दोस्तों आम पे, लेकिन इस पर भी ये छोटे छोटे, ये देखिए ये ब्राउन होके पता नहीं क्या कारण है रोग आ जाता है इन पर। देखते हैं कितने आम बचते हैं, कितने निकलते हैं, कितने रहते हैं। फिलहाल बौर आ गई है और अब बस मैं अभी तैयारी करता हूँ, थोड़ी देर बाद रुद्र को छोड़ने जाएंगे। लॉन की घास अच्छी हो गई है, हाँ बारिश पड़ी थी ना लगातार, तो मस्त मौसम हो रहा है। चलिए अब अंदर चलते हैं। और अन्नपूर्णा जी तो बाम लगा के लेटी हुई थी। और आप इसको देखिए, इससे पीले पीले फूल आए हैं, कितने सुंदर।
दिख रहे हैं ये देखिए। तो वेलकम टू चिड़ियाघर, आइए घुमा के लाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग माना कुमार। माना कुमार कूद रही यहाँ का मम्मी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। इस बार हम पहली बार अपने गांव की आलू की छिछोड़ी बना रहे। बधाई हो आपको। ये भूंगा गांव के आलू है। अरे वाह। हाँ। तो दोस्तों इनका तो स्वाद ही अलग आएगा। हाँ। वैसे असली स्वाद तो था हमारे गांव के आलूओं का। हमारे गांव में भी दोस्तों आलू होते हैं बहुत ही बेहतरीन वाले और बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां होती हैं। हमारा गांव है सिद्धपुर। ये तो ननिहाल के आलू हैं। चलो नानी के भी अच्छे आलू हैं। तो हाँ, इस प्लांट को भी थोड़ी वॉश की ज़रूरत है, काफ़ी दिन से इसको नहलाया नहीं है। कौन सा पाम बताइए जल्दी? रैविश पाम। तो बस, और आज का विचार, पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव वाइब एंड पॉजिटिव लाइफ। यू शुड ऑलवेज हैव पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव वाइब एंड पॉजिटिव लाइफ। एंड हेयर सुपर आर अ वेरी गुड मॉर्निंग। हो गई नींद पूरी? अब गर्मियाँ आने लगी हैं, लेकिन नहीं अभी आपको नहीं बदलने कपड़े, अभी ऐसे ही रहना है। मैं भी वो गलती से पहन लिया था मैंने। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल जर अंबर उजाई, पवन तरण संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ पवन सुत हनुमान की जय। कोई चीज दिखाता हूँ आज, एक चीज देखो आप। देखो हाँ, ये सब्जी वाले रोज आते हैं यहाँ पे, इनकी आवाज सुनना आप। चुपके से दिखाऊंगा। प्याज लो, टमाटर लो, गोभी लो, मटर लो, बैंगन लो, लौकी लो। फिर से बोलो जरा। तुम्हारा जो वो है ना जलवा, पूरी गली में हल्ला मचा रहा था तुमने। आलू लो, प्याज लो, टमाटर लो, गोभी लो, बैंगन लो, बीन्स लो, लौकी लो, मटर लो। सवास क्या ले लो? ताजी हरी सब्जी। मजा आ गया क्या? ताजी हरी सब्जी ले लो। क्या नाम है भाई का? अमन कुमार। अमन, मजा आ गया भाई। तो इस अमन ने सबकी नींद हराम करी हुई है पूरे मोहल्ले की। पहले पहले तो मैं ले लो ताजी हरी सब्जी। सवास आलू लो, प्याज लो, टमाटर लो, गोभी लो, मटर लो, बैगन लो, भिंडी लो, बीन्स लो, शिमला लो। शिमला भी है? ले लो ताजी हरी सब्जी। कमाल की बात, शिमला मिर्च का ही नहीं है पर आप शिमला भी लो। हाँ। तो फ्लो बना हुआ फ्लो। तो हमारे एक बार जोर से जरा नारा लगा दो, जय श्री राम का। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। मजा आ गया मन, मिलते हैं भाई फिर से। हाँ, जय भारत। सवास। तो ये अमन कुमार, ये डेली यहाँ से जाता है और ये डेली यहाँ से जाते हैं और जबरदस्त बुलंद आवाज मानो तो अंदर से इसकी एक्टिंग करती रहती है। चले भाई रुद्र कुमार, चलो खा लिया तुमने वो मीठा मीठा? हाँ। तो गुड लक। चलो जिन्हें बोलियो जरा चाबी और हेलमेट। ये बोलो ये गांव फट गया क्या? धीरे धीरे बोलो। बहुत बढ़िया आदमी है वो। धीरे धीरे बोलो। तुम भी चलो भैया को छोड़ने। आज थोड़ा सुस्त लग रहा है मुझे। बेटे कौन छोड़ रही है ठीक है? मिलते आ रहे हो जय बद्री प्रसाद। खाने का थाल सजा के आओ। या हो गया मेरे हाथ में वो लग गया। चलो ओके। आज कोई टिप्स नहीं दे रही हूँ अब ज्यादा क्या।